हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको न्यू फोर्ड एंडेवर 2020 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊंगा। इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और इसके अंदर कितने टाइप के डिस्प्लेज आते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होती है कार के बारे में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। यहाँ पे जो कीज़ हैं, इससे एक्सेस होता है इसका लेफ्ट साइड का स्क्रीन, जो कि आप देख सकते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। अगर मैं उसे यहाँ से बैक करूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं, वन इज़ एंटरटेनमेंट एंड अदर इज़ फ़ोन। फ़ोन में जाने के बाद आपको ऑल कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स एंड मिस्ड कॉल्स दिख जाते हैं। इसे हम बैक कर देते हैं। फिर हम जाते हैं एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट को अगर हम चेंज करें तो यहाँ से ये FM के चैनल्स चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड अगर हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से हमें सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें से हम FM, AM और अपना पर्सनल ऑडियो एक्सेस कर सकते। सो यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट आ जाती है। इसे बैक कर देते हैं एंड अब हम जाएंगे राइट साइड पे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, बट बहुत ही वास्ट है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें। सो द फर्स्ट स्क्रीन यहाँ पे जो है वो बाय डिफॉल्ट है RPM विद इंजन हीट, इंजन का टेम्परेचर एंड फ्यूल लेवल्स। हम इसे यहाँ से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अब देखिए जो इंजन का टेम्परेचर है वो जा चुका है। हम इसे और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है डिस्टेंस टू एम्प्टी, कि हमारी कार कितना डिस्टेंस और ट्रैवल कर सकती है इतने अमाउंट ऑफ फ्यूल में। और ऊपर करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाती है। इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाता है हमारा टायर प्रेशर। फिर आ गया यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर, जो भी कार की स्पीड होगी वो डिजिटली वहाँ पे शो होगी, जो कि करंटली जीरो थी। यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि हमारी कार कौन से मोड में है। फिर आ जाता है यहाँ पे ऑफ रोड। ऑफ रोड में ये हमें बताता है कि हमारी कार का स्टेयरिंग कितने एंगल पे टिल्ट है, हमारी कार कौन से एंगल पे डिक्लाइन है, कितने एंगल पे एलिवेटेड है, वो सब ये बताता है। और अब हम इसे यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद वहाँ पे आ जाते हैं मल्टीपल ऑप्शंस। सबसे पहला जो हमने खोल के आपको दिखाया था वो था डिस्प्ले मोड। इसके बाद हम ट्रिप कंप्यूटर में चले जाते हैं। यहाँ पे ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ट्रिप वन, ट्रिप टू, जो कि यहाँ ओके को होल्ड करने से रीसेट हो जाता है। इसे अब हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद नीचे जाएंगे तो आ जाएगा फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी खोल लेते हैं। यहाँ पे कार की एवरेज आ जाएगी। ये अभी काफ़ी लो है क्योंकि कार न्यू है, धीरे धीरे एवरेज नॉर्मल हो जाएगी। फिर आ जाता है ड्राइवर असिस्ट। ड्राइवर असिस्ट में हम देखें तो एड ब्लू स्टेटस, एड ब्लू रिफिल और बाकी सब ऑप्शंस। एड ब्लू जो होता है वो BS6 कार्स के अंदर डलता है, तो यहाँ से हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो कितना बचा है कार के अंदर और इतने एड ब्लू में कितने किलोमीटर हमारी कार चल सकती है। को बैक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में व्हीकल की सेटिंग्स आ गई, वाइपर्स की, कि हमें रेन सेंसिंग वाइपर्स चाहिए, रिमोट स्टार्ट चाहिए, पावर लिफ्ट गेट, ऑयल लाइफ रीसेट, विंडोज़, यहाँ पे वो सब फंक्शंस आ गए हैं, लॉक्स, लाइटिंग, अलार्म सिस्टम। ओके, देन हम जाएंगे माय की में। यहाँ माय की जो 40 तरह से की मिलती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्रिएट माय की से क्रिएट हो जाती है। की की कुछ सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटअप आ गया, मेजरिंग यूनिट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कि फ्यूल का होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट किलोमीटर पर लीटर पे सेट है इंडिया में। टेम्परेचर यूनिट चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सियस है। एंड टायर प्रेशर, लैंग्वेज एंड मैनी मोर। हम इसको बैक करेंगे। सो दिस वॉज इट गाइज। यहाँ पे मैंने आपको सारे
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फंक्शंस एंड इंफॉर्मेशन दिखा दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको फोर्ड एंडेवर की और भी वीडियोज़ देखते रहना है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।